मेष राशि, यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, भाग्य पक्ष दिन कमजोर है, माता जी का विशेष ख्याल रखिएगा और मित्रों के साथ बहुत बनाकर रखिएगा, खास तौर से दोपहर के बाद। एक सावधानी इस दिन विशेष रूप से रखनी है, वो है बिजली की। यदि आप बिजली के उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। बारिश में भीग रहे हैं तो भी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन दूध का दान आपने जरूर करना है। वृषभ राशि, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अपने जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी का बहुत ध्यान रखिएगा। अपनी कमर का भी आपको दोपहर बाद बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। एक सावधानी इस दिन बेहद आवश्यक है, यदि आप कहीं धन लेकर जा रहे हैं तो जरा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, चीनी का दान जरूर कर दीजिएगा। मिथुन राशि, इस दिन प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है, इसीलिए अपने हाव भाव, अपनी भाषा बहुत ही कायदे की रखिएगा। इस दिन एक सावधानी जरूर रखनी है धन से संबंधित, यदि आप कहीं कुछ निवेश करने जा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर टाल सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाल नहीं सके तो घर के बुजुर्गों के साथ जाइएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सूर्य को जल दीजिए और भोजन खिलाइए किसी जरूरतमंद को। कर्क राशि, यह दिन अच्छा नहीं है, मन में कुछ भारीपन सा महसूस करेंगे, कन्फ्यूजन सा महसूस करेंगे, उदासी सी महसूस करेंगे और विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन भाग्य पक्ष आपका साथ दे रहा है इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपाय क्या करेंगे, मन को शांत कीजिए और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम का जप करिए और दूध का दान कर दीजिए तो सब ठीक करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि किसी से आपका विवाह करने की इच्छा है या विवाह तय हो चुका है तो उस रिश्ते में बहुत सावधानी रखिएगा। सिंह राशि, इस दिन भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, आपको अपने धन का बहुत ख्याल रखना होगा और सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपने सिर, आंख, गले, चेस्ट, पेट का ध्यान जरूर रखिएगा और साथ ही साथ भावावेश में बहके किसी को धन मत दे दीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है, वाहन चलाते वक्त बहुत सावधान रहें और मित्रों से थोड़ा ध्यान से बातचीत करें और अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम गणपताय नमः का जप करें फिर काम पर जुटे, सब ठीक होगा। कन्या राशि, यह दिन लाभ की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है लेकिन फिर भी चीजें ठीक रहेंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ विशेष पढ़ रहे हैं और या यदि आप का विवाह होने वाला है या प्रेम संबंधों में है तो ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सावधानी, इस दिन धन को वेस्ट नहीं कीजिए, जहां बहुत आवश्यकता हो बस वहीं खर्च कीजिए। उपाय क्या करेंगे, उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा और माता जी से आशीर्वाद लेकर फिर अपना कार्य प्रारंभ कीजिएगा। तुला राशि, एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है इसलिए अपना बहुत ख्याल रखने की इस दिन जरूरत है। अपने रिश्ते नाते बहुत अच्छे से बिताएं, आपके होने वाले जीवन साथी या यदि आपके जीवन साथी कोई हैं उनके स्वास्थ्य का भी इस दिन बहुत ख्याल रखना होगा। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन बहुत सोच समझ कर किसी से व्यवहार करें अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, भाग्य पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं अपने लिए, साथ ही साथ इस दिन आपको ठंड से भी बचना है। ध्यान रखें, एक सावधानी जरूरी है, इस दिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और एक छोटा सा उपाय जरूर कर दीजिएगा। इस दिन आप ओम नारायण नमो नमः का जप करें उसके बाद अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनुराशि, यदि आपकी आंख में या गले में दिक्कत है तो इस दिन बहुत सावधानी से चलने की जरूरत है, भीगने से बचिएगा तो अच्छा रहेगा और ठंड और गर्म, ठंड और गर्म ये बार बार मत कीजिएगा। एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन अपने धन का विशेष रूप से ख्याल रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, पके हुए भोजन का दान अवश्य करें। मकर राशि,
क्रोध के कारण नुकसान हो सकता है, दुर्घटना के संकेत भी मिल रहे हैं, इसलिए वाहन भी बहुत ध्यान से चलाइएगा। एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इस दिन अपने मित्रों को शत्रु मत बना लीजिएगा, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, तिल का दान जरूर कर दीजिएगा, और यदि तिल नहीं मिल पाए बाय द वे तो उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, समय तो आपके लिए बड़ा अनुकूल है, रुक रुक कर बाधाओं के बाद लेकिन कार्य आपका अवश्य बनेगा, इसलिए समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को अलबत्ता थोड़ी एकाग्रता की परेशानी जरूर होगी, लेकिन बोल बोल के अपनी पढ़ाई करें, लिख लिख के अपनी पढ़ाई करें तो जरूर सफल हो जाएंगे। दोपहर बाद का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। एक सावधानी जरूर रखें, इस दिन अपने पेट और पीठ का ध्यान रखेंगे आप, और एक उपाय जरूर कर लेंगे, और इस दिन का उपाय है मीठी रोटी पक्षियों को जरूर डालिएगा। मीन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए बहुत सोच समझकर ही कोई निर्णय लीजिएगा। इस दिन लिए गए निर्णय से आप परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए सलाह मशवरा अच्छे से करने के बाद दूसरों की सलाह से निर्णय लीजिएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन आप अपने पेट का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम गणपतये नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।